Assalamu alaikum, this is me, Rebecca Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So again, I'm here with my new YouTube video. वैसे थंबनेल से तो आप लोग पहचान गए होंगे कि क्या होने वाला है वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ. मेरे जहन में आया कि अब आपकी रेबिका काशिफ खान इतनी एक्सपर्ट हो गई है, इतना अच्छा मेकअप करना उनको आता है, तो क्यों ना मामा को फिर से दुल्हन बनाया जाए. आज मामा की याद ताजा कर दी जाए और दुल्हन बनाया जाए. मतलब वो वाली दुल्हन नहीं जो एक प्रॉपर दुल्हन होती है, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी दुल्हन बनाऊंगी मैं. सो देखते हैं कि मैं किस तरह का मेकअप करती हूँ, किस तरह की दुल्हन बनाती हूँ, मामा लगती कैसी है. उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी और सब्सक्राइब भी करना होगा. अभी सब्सक्राइब करें, जाए अभी जाए. मैंने देखा है लोग जो है वीडियो देखे तो सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा दिल टूट फूट हो जाता है. पर अभी जाए, टाइम दे रही हूँ, सब्सक्राइब करें. कर लिया, सच में कर लिया. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते. सो गाइस, मामा आ चुकी है और आज मैं मामा को बनाने वाली हूँ दुल्हन. दुल्हन या दुल्हन क्या मतलब है या क्या मतलब, आपको भूत थोड़ी ना बनाने वाली. मैं आपको बनाऊंगी दुल्हन पूरे 20 साल हो जाएंगे मेरी शादी. 20 साल हो जाएगी ना, पूरे 20 साल बाद मम्मा आज मेरे हाथों मतलब अपनी बेटी के हाथ बनेंगी दुल्हन. तैयार है फिर आप? एक्साइटेड भी है? देखती हूँ मैं आज कैसी लगने वाली हूँ. अच्छी तो लगेंगी आप, लेकिन जरा अच्छे लोग तो अच्छे ही लगेंगे. ओहो, ओह माय गॉड. सबसे पहले मम्मा मैं आपके बाल बांध देती हूँ ताकि यू नो बाल मुझे डिस्टर्ब ना करें. आज रबी का मेकअप आर्टिस्ट है. अगर आप लोगों को भी रेडी होना है रबीका से तो जरूर बताइए. क्या मैंने यहाँ सलोन खोल के बैठा? हाँ, मैं सोच रही हूँ सलोन खोलने का. आप लोग मुझे बताएंगे मेरे मेकअप करने के बाद कि मुझे खोलना चाहिए क्या नहीं. वैसे तो सब मुझे बोलते हैं कि खोलना चाहिए, लेकिन आप लोग का मशवरा भी जरूरी है ना. मैं आपके ऑयल के नहीं या ड्राई? हल्का सा लगाना पड़ेगा, इसलिए जब सर्दी आ गई है तो ज्यादा फेस ड्राई हो रहा है. अपने स्टाइल से देखें आप क्या करेंगे. देखते हैं ना, आज देखिएगा मैं बदलने वाली हूँ. आज मम्मा मेरे अंदाज से तैयार होंगी. तो माए बेटियों को तैयार कर रही होती है और ना बेटियां माँ को तैयार कर रही है. भाई बेटी है नहीं आपकी बेटी? हाँ मेरी बेटी. भाई रविका ने कुछ भी नहीं सीखा, सीखी सिखाई है. मैं सीखी सिखाई पैदा हुई. रविका को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, रविका सब कुछ खुद ही कर लेती है. माँ को बताया मेरी आपकी शक्ल कैसी लगी? मम्मा का फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो चुका है. वैसे जब फाउंडेशन लग रहा होता है ना तो ऑब्वियसली आपकी शक्ल चेंज ही लगती है, क्योंकि पूरा मेकअप उस वक्त नहीं हुआ. जब मेकअप हो जाता है तो आपकी शक्ल फिर सेट हो जाती है. पता नहीं लोग इस बात को क्यों नहीं मानते. आई एम नॉट द एक्सपर्ट गाइस, बट फिर भी मुझे अच्छा खासा मेकअप करना आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ और अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह. जब रबीका अपना सलून खोल लेगी तो फिर बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह. फिर मेरे फैंस भी आएंगे मुझसे मेकअप करवाने. जिनको मिलना भी होगा ना वो भी आ जाएंगे. अच्छा ये बाद में क्यों लग रहा है? कंसीलर बाद में लगता है, मर्जी होती है. वैसे मैं बाद में लगा रही हूं. जिनको कंसीलर लगाना नहीं आता वो देख लें किस तरह लग रहा है. लो भाई, मैंने पूरा मैंने फेस का बेस बना दिया और मैं टिश्यू लगाने भूल गई. वैसे लोग कहेंगे कि रबीका हमेशा पहले खुद की मेकअप करती है, मम्मा का मेकअप कर रही है. माँ को मैं दुल्हन बना रही हूँ कि मम्मा अगर इस जमाने की दुल्हन होती तो वो कैसी लगती. अब मैं करूंगी मम्मा की कॉन्टोरिंग और मम्मा कभी भी अपने कॉन्टोरिंग नहीं करती. जब कोई दूसरा तैयार कर रहा होता ना तो इतना मजा आ रहा होता है और आंखें बंद होने शुरू हो जाती हैं, दिल चाहता है बस सो जाओ. वैसे ये तो है, जब मेरी दुबई में शूट हो रही थी ना मम्मा, तब मेकअप आर्टिस्ट ऑब्वियसली मेकअप कर रही थी, तो वो मेकअप करी और मैं सो रही हूँ, मेकअप करी मैं सो रही हूँ. इतनी ज्यादा मुझे नींद आ रही थी उस वक्त. मैं लगा रही हूँ ये वाला ब्लश, ये वाला शेड ब्लश का. हाइलाइटर मैं एंड में लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मम्मा के करूंगी आई मेकअप जो कि इम्पोर्टेंट है. काशीज की ये किट है ग्लैमर गार्डन की, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, शिमरी शेड्स भी हैं और मैट भी हैं. मम्मा को ये बहुत ज्यादा पसंद है ना मम्मा? बहुत ज्यादा पसंद है इनकी ये वाली किट और मैं ये ही यूज करती हूँ. मम्मा होल्ड इट लाइक दिस. यस.
गाऊंगी। सोच रही हूँ कि मामा ने रेड ड्रेस पहना हुआ है तो मामा को मैं ग्रीन सा शेड लगाती हूँ। गोल्डन के ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्रीनिश सा टच दिया है, तो देख रहे हो मैं ब्रश इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं फिंगर से कर रही हूँ। मैं आज यार फिंगर से कर रही हूँ। मामा का मैंने आई मेकअप थोड़ा सा यू नो गोल्ड पे रखा है और ज्यादा हैवी नहीं किया है क्योंकि ज्यादा हैवी अच्छा नहीं लगा। पहले जमाने में मेरे ख्याल से ऐसा होता था कि वो बहुत ज्यादा हैवी लुक कर देते थे, गोला गंडा बनाते थे। गोला गंडा, ओहो समझ रहे हो। मैंने उनसे बोला कि मुझे लाइट लाइट सा करेगा, फिर भी मैं दुल्हन बन के बहुत डिफरेंट लगी। ओके सो गाइस ऑलमोस्ट मामा का आई मेकअप जो है वो डन हो चुका है। मैं मार्कर वाला आई लाइनर यूज कर रही हूँ, ये आप निकाल लें बस, इससे मैं आउटलाइन बना लूँ। मन करे मामा के मैंने लाइनर लगा लिया है और मैंने थोड़ा सा ना मोटू सा लाइनर लगाया है ताकि यू नो मामा की आंखें दिखे, मामा की आंखें छोटी छोटी है तो वो आंखें बड़ी लगें। अब मैं लगाऊंगी लैशेज। मामा लैशेज, मामा लैशेज से बहुत डरती हैं क्योंकि मामा जब भी लैशेज लगवाती है मतलब सलोन वगैरह से तो उनके पानी आने लगता है, तो आई होप कि अभी पानी ना आए, मेकअप खराब हो जाएगा। सो लाइट वाली लगाना, लाइट वाली ही लगाऊंगी। भाई अब मैं क्या करूं, एक मेरे साथ होता है जब भी लैशेज लगती है मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादातर सोचती हूँ मस्कारा ही लगा लूं वो ज्यादा सही। पर अभी मस्कारा नहीं लगा सकते ना, आपका ब्राइडल मेकअप है ये। ब्राइडल मेकअप इतना लाइट नहीं होता है लेकिन मैंने लाइट ही किया है, मगर ज्यादा जो है नेचुरल लगना चाहिए। सो मामा के लैशेज लगा रही हूँ। मामा प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ। आज तो नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे, वो खुलने के बाद होता है। दोनों आईज में मम्मा की लैशेस लग चुकी है और मम्मा को थोड़ी मैं हवा दे दूँ। मम्मा आज तो नहीं आ रहे, अभी तक तो नहीं आ रहे। हाँ तो प्लीज आप ध्यान हटा दें कि आपके आंसू आएंगे, आप सोचना ही छोड़ दें ठीक है, जब तक मैं आपके लिपस्टिक लगा देती हूँ। मम्मा के मैं बिल्कुल पाउडी लिप्स बनाऊंगी। सो गाइस मेरे पास ये सारे लिप शेड्स हैं, लाइट वाले भी हैं कुछ डार्क वाले भी हैं, अब देखते हैं कि मैं कौन सा लगाती हूँ। लिप्स की आउटलाइन तो मैंने बना ली है, लिपस्टिक कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक आपको आंखें नहीं खोली ठीक है। ओके मॉम मैं तो सोने वाली हूँ। हाँ सो जाए लेकिन आंसू मत निकालेगा प्लीज। क्या हो गया मम्मा? मैं कह रही हूँ इतनी देर से आंखें खुलवा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ बस बस हो गया मम्मा, प्लीज सो ही नहीं है, मैं आप बैठे बैठे मम्मा ऊँग रही है। 1 2 3 गो, खोली खुल रही है ना, खोली खोली खोली। हाँ थैंक गॉड पानी शुरू हो गया, सेम कॉटन बैड लेके आओ। थोड़ा खुलने में होता है। हाँ होता है होता है, नेचुरल है मेरे। इतनी देर से बंद कराई है रबीका ने, जो नींद भी आ गई थी ना इस वजह से आंखों से पानी निकल रहा है। टिश्यू से मैं साफ कर लूं, जो टिश्यू मैंने मामा के लगाए हुए थे। टैप टैप करने से आपका मेकअप बिल्कुल भी खराब नहीं होता, तो आप लोग टैप टैप कर सकते हैं। इसमें नहीं आ रहा, इसमें ज्यादा आ रहा है इस वाले में। मम्मा तो रोई मम्मा, अभी मैं रुखसत नहीं हो रही मम्मा। जब इतने कम आंसू थोड़े आएंगे फिर तो बहुत ज्यादा आएंगे। फिर मम्मा आप इतना महंगा मेकअप करवाएंगे और आपका मेकअप सारा खराब हो जाएगा, देख ले। कोई बात नहीं, वो तो बाद में तो खराब होना ही है। लिपस्टिक वैसे मैंने मम्मा के ये वाला शेड लगाया लेकिन मैं सोची इसमें थोड़ा सा ना कुछ मिक्स कर दूं। लिपस्टिक हमारी लग चुकी है लेकिन इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ग्लॉस, पर उससे पहले मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। हाइलाइटर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप का पार्ट। हमारा मेकअप डन है, बस आई के नीचे शेड लगाऊंगी मैं अभी, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लैशेज लगती है तो आंसू गिरते हैं, तो सारा काम मैं एक साथ कर देती ना तो फिर मम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसा लगता है किसी ने लैशेज लगा के मेरे ना आंखों पे वजन रख दिया। वजन रख दिया ऊपर देख, वजन ये वजन ही होता है। मम्मा अच्छी लगती है लैशेज। हाँ अच्छी तो बहुत लगती है मगर बस क्या करें, अपनी अपनी आदत होती है। की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। ऑलमोस्ट मामा का मेकअप हो गया है, बस व्हाइट पेंसिल रह गई है। वैसे मैं सोच रही हूँ व्हाइट पेंसिल लगाऊं या ब्लैक पेंसिल लगाऊं। व्हाइट
व्हाइट लगाओ। ब्लैक से तो और मेरी आंखों से पानी आएगा। ओके ब्लैक व्हाइट लगा लेती हूँ। माँ ऊपर देखे बस एक सेकंड काम है, ऊपर देखने साथ। अब बस मम्मा ग्लॉस लगानी है आके फिर आपका मेकअप पूरा डन। ठीक है मम्मा, मुझे बिल्कुल लाइट मेकअप वाली ब्राइड होती है ना, मैंने आपको वो बनाया। बट अभी आपका हेयर स्टाइल जो इनकम्प्लीट है तो मैं हेयर स्टाइल बना के फिर आप लोग के सामने आती हूँ। 2 hours later बिल्कुल रेडी है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मम्मा कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। 1 2 3 जस्ट लुक एट हर मैन, शी इज लुकिंग गॉर्जियस। भाई तैयार करने वाले का भी तो बात होती है ना, रबीका ने मुझे इतना अच्छा तैयार किया, मैं अपने आप को देख कर हिल गई कि इतनी क्यूट मैं कैसे लग रही हूँ। माना कि मैं हूँ मगर इतनी ज्यादा नहीं हूँ कि इतना अच्छा तैयार करके रबीका ने मुझे इतनी प्यारी सी दुल्हन बना दिया। और मम्मा ऐसा लग रहा है कि आपकी इंगेजमेंट अब बाबा आपको देखते ही रह जाएंगे। अब इनके बाबा तो गए मैं खैर, मगर आप लोग जरूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। रबीका की मेहनत रंग लेकर आ गई होगी इसलिए कि बहुत अच्छा तैयार किया है। इंशाल्लाह रबीका ऐसी आगे बढ़ती रहो और बहुत नाम कमाएगी, मेरी दुआएं इसके साथ हैं। और अपना सलून जरूर खोलेगी अपने नाम से और आप लोगों को भी ऐसे तैयार करेगी इंशाल्लाह। डन हो गया, बस आप लोग की दुआओं की जरूरत है। माँ बाप की दुआएं तो ऑफ कोर्स है मेरे साथ हमेशा, लेकिन आप लोग की सपोर्ट और दुआओं की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि मम्मा कैसी लग रही है, बहुत सारा प्यार दिखाना है इस वीडियो पे। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। नेक्स्ट वीडियो मम्मा मुझे तैयार करें, मैं रबीका को तैयार करूंगी और फिर आप लोग बताइएगा मैंने कैसे तैयार किया। और रबीका जाहिर है मेरी ही बेटी है तो लाजमी मुझसे जरूर टच मारेगी इंशाल्लाह। देखिए तैयार हो जाइए उस वीडियो के लिए, जब तक इस वीडियो में बहुत सारा प्यार बरसाइए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। लव फेस।